Assalamualaikum. My name is Dr. Sattar. I am working as an assistant professor of medicine in the Vadim Dental and Medical College. Today I am going to give you a little bit bird eye view about the diabetes and the related relation to the different organs. Basically, diabetes two types ki hoti hai, ek type 1 and ek one type 2. Type 1 usually bachchon ko affect karti hai, more than 90% bachchon ko affect karti hai, jabki type 2 usually adult logon ki bimari hai. बेसिकली टाइप टू डायरेक्टली रिलेशनशिप टू द जीन्स होती है. कोई बोले कि हम लोग किसी डाइट प्लान के ज़रिए शुगर को बहुत ज़्यादा कट डाउन करके डाइट के ज़रिए हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकेंगे और हमें फ्यूचर में डायबिटीज़ टाइप टू नहीं होगी, तो ये टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है. बेसिकली ये जीन्स पर डिपेंड करती है. ख़ास सर्टेन एज के अंदर ये जीन्स बॉडी के अंदर अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद पेशेंट को ये डायबिटीज़ टाइप टू स्टार्ट हो जाती है. टाइप टू डायबिटीज़ को बेसिकली स्लो पॉइजनिंग कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि ये दिन में किसी को एक दिन में ये अफेक्ट नहीं करती, ये दिन को किसी को एक महीने में भी इसको डैमेज नहीं करती ऑर्गन्स को. इट विल टेक समटाइम मंथ्स टू ईयर्स, समटाइम 10-10 साल लगते हैं ऑर्गन्स को डैमेज करने में. सो हर पेशेंट को जो कि डायबिटीज़ का पेशेंट्स है, उसको अपनी शुगर टाइट तरीके से कंट्रोल करनी चाहिए डिफरेंट मेडिसिन के ज़रिए. उसको रेगुलर तौर पे डॉक्टर्स के पास विजिट करना चाहिए ताकि वो अपनी शुगर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सके. इसके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से हमें डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है कि किसी पेशेंट को ये शुगर है या नहीं है, टाइप टू डायबिटीज़ का पेशेंट वो है या नहीं है. उसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन टेस्ट किया जाता है, जो कि विद इन 1 मिनट से फ्यू सेकेंड्स के अंदर टेस्ट हो जाता है, वो है फास्टिंग शुगर लेवल. फास्टिंग शुगर लेवल नॉर्मल लोगों की शुड बी लेस देन 110 होनी चाहिए. जो प्री डायबिटिस में फॉल करते हैं, जिनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, वो 110 टू 127 उनका कट ऑफ है. अगर मोर देन 127 उनका शुगर रेगुलर तौर पे फास्टिंग में रहती है, इट मींस दे आर द पेशेंट ऑफ द डायबिटिस टाइप 2. इसमें हमें यूजली जो टेस्ट कराया जाता है वो 3 मंथ्स का कराया जाता है, जिसे कहा जाता है HbA1c. द वैल्यू अगर शुड बी लेस देन 7 है, इट मीन्स कि उनकी शुगर प्रॉपर कंट्रोल्ड है. अगर मोर देन 7 है, इट मीन्स कि उनकी शुगर लेवल लिटिल बिट हायर साइड पे है, उनको मज़ीद कंट्रोल करने की ज़रूरत है. यहाँ पे दो पॉइंट टू बी नोटेड डैट मार्केट में डिफरेंट मेडिसिन अवेलेबल हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए. उसमें कुछ इंजेक्टेबल्स भी हैं जो इंसुलिन कहलाते हैं, और जिनकी शुगर इंसुलिन से नहीं कंट्रोल होती, उसके लिए मार्केट में विक्टोजा और ट्रूलिसिटी के नाम से डिफरेंट इंजेक्शन मौजूद हैं. इनिशियली तौर पे पेशेंट को टैबलेट से कंट्रोल कर रिकमेंड की जाती है. कोई भी अगर कहे कि ये मेडिसिन सबसे बेस्ट है शुगर के लिए, तो ये कहना टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है. डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट मेडिसिन ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती हैं. किसी को एक मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होता है, किसी को दूसरे मेडिसिन से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होता है. तो पेशेंट को एक ही दवा मेडिसिन लेके अगर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उसको फौरी तौर पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि वो शिफ्ट हो जाए होम्योपैथिक पे दवाई पे या किसी और किसी तरीके से शुगर को कंट्रोल करने के लिए. इसके लिए जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी रिकमेंड की जाती है कि शुगर का इंटेक अगर उनका ज़्यादा है लाइफ के अंदर, तो उसको कट डाउन कर दिया जाए. प्लस उसको फिजिकल एक्टिविटी के लिए मोटिवेट किया जाता है कि वो एक्सरसाइज करे, प्लस वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाए, और स्ट्रेस और टेंशन ना ले, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन की वजह से भी शुगर थोड़ा सा हाई लेवल पर जाती है. अगर कोई पेशेंट अपनी शुगर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं करता, तो एट द एंड रिजल्ट जो उनको मिलते हैं वो हार्ट अटैक की शक्ल में सामने आ सकता है, या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट फॉलिज की शक्ल में सामने आ सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द फीट, पाँव में जलन का मारी सुइयाँ या बेचैनी हो सकती है, इंसोमनिया, नींद के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, प्रॉपर तरीके से वो सो नहीं पाते. इसके अलावा उनके एट द एंड किडनीज डैमेज हो सकते हैं, और पेशेंट को अल्टीमेटली अपने गुर्दे वॉश करने के लिए यानी कि डायलिसिस पे जाना जा सकते हैं. द पॉइंट टू बी नोटेड दैट पेशेंट को अपनी शुगर लेवल प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करनी चाहिए, और प्रॉपर तरीके से मेडिसिन खानी चाहिए, और रेगुलर तौर पर डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, ताकि डॉक्टर उनके अकॉर्डिंगली पेशेंट के सिम्टम्स और शुगर लेवल के मुताबिक पेशेंट की मेडिसिन को एडजस्ट कर सके. अगर डॉक्टर एट द एंड रिकमेंड करता है कि इंसुलिन आपके लिए बेस्ट सूट करती है, तो पेशेंट को हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे जो बेस्ट मेडिसिन है शुगर की, वो इंसुलिन ही है. लेकिन जब तक बॉडी के अंदर प्रोडक्शन इंसुलिन की है, डॉक्टर की कोशिश होती है वो टैबलेट से ही शुगर कंट्रोल करता रहे. जब बॉडी के अंदर इंसुलिन की बिल्कुल प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, देन एट दैट टाइम द पेशेंट इज़ आइडियली टू शिफ्ट टू द इंसुलिन. इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेरी, इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू गेट मोर नॉलेज, यू हैव टू सब्सक्राइब कार्डियो टीवी. थैंक यू.